जी हमने रूम ले लिया फाइनली, हमने झाग ले बांडा के अंदर रुक लिया। यहाँ से अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं बांडा। तो गाइस हमने हाइक स्टार्ट कर दी है ऊपर जहाज बांडा की तरफ, और बाइक्स वगैरह नीचे पार्क कर दी हैं। कोई सेफ जगह तो नहीं है SH, मगर कर दिए पार्क, और हाइक यहाँ से स्टार्ट है हमारी ऊपर जाने की। और काफ़ी काफ़ी स्टीप है, मतलब के काफ़ी आपकी फोर्स लगेगी। नीचे से कह तो रहे थे कि ऊपर जीप्स वगैरह जाती हैं, मगर जीप्स और बाइक का रास्ता नहीं है, आपको जहाज़ बांडा तक ऊपर हाइक करके ही जाना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या हालात हैं आपके? इंटरव्यू टाइम है। सही हो रही है हाइक वैसे? बड़ी जबरदस्त जबरदस्त हो रही है। अभी तो हमारी बचत होगी क्योंकि हम सामान नहीं लेके आए, अगर हम सामान ले आते तो बहुत मुश्किल हो जाना था। ऊपर कैंपिंग तो साइड अच्छी है, मगर सामान के साथ ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और ये ऊपर चढ़ते चढ़ते तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब ये 3 घंटे अभी यहाँ से लगेंगे, और हमने कटोरा लेक भी ऊपर हाइक करनी है, 1 घंटा उसका भी लग जाएगा, डेढ़ से दो घंटा वो लग जाएगा। तो हमने नीचे भी वापस आना है मगरिब से पहले पहले, तो देखते हैं आगे क्या स्टोरी होती है। अभी हाइक काफ़ी इजी हो गई थी नीचे से, और अभी बस यहाँ से हम जहाज बांडा के करीब हैं। यहाँ से तकरीबन 10-1 मिनट लगेंगे ऊपर, और बादल काफ़ी ज़्यादा हैवी आ गए हैं, बारिश के चांसेस 100% लग रहे हैं जो हालात हैं। हाइक बहुत बहुत टफ हाइक है, ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है, मगर यहाँ पे आके जो व्यूज़ हैं सारे पैसे उसी के हैं, और आपकी थकावट सारी उतर जाती है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है ऊपर का, देखें जैसे आप दिल खुश हो जाता है बंदे का ऊपर आके ना एक दफ़ा देख के व्यूज़। हमें लगेंगे 5 to 10 मिनट्स ऊपर होंगे हम, और ये व्यूज़ चेक करें आप, बिल्कुल हम ये पीक्स के पास आ गए, ऊपर ग्लेशियर है, बहुत आउट क्लास व्यू है, ऊपर से जाके तो और ये करीब हो जाएगा। ओह सुभान अल्लाह, स्टार्ट की थी ऊपर टकी टॉप से, और इस वक्त 3 बज चुके हैं, और अभी हम ऊपर पहुँचे हैं। 4 घंटे हमें लग गए हैं ऊपर की हाइक के, इस वजह से हम ऊपर तो नहीं अभी जाएंगे लेक वाली साइड पे, ये है कि यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा हमें 1 नाइट और। हम ऊपर निकल जाते तो हमारी ऐसी की तैसी हो जानी थी, और ये देखिए नीचे फुल वाइट हो गया है, और क्या मौसम हो गया यार, लेवल हो गया लेवल। पीछे के व्यूज आपको दिखाता हूँ, आप पीछे के व्यूज कहते हैं, सारा वाइट वाइट हो गया। हमने थोड़ा स्टे लिया हुआ है चाय वगैरह पीने के लिए, ये बॉयज इंजॉय करते हुए फुल। हम ख़राब होने की वजह से हम आगे नहीं जा सके, और ये जहाज़ बांडा के अंदर ही हमने रूम ले लिया इस वक्त, ये देख सकते हैं रूम आप, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी, यहाँ से वापस भी नहीं हो सकते, बारिश बहुत थी, और बाहर तो अभी भी बारिश हो रही है, और व्यू तो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कि दिल चाह रहा है बाहर निकल के जाके पिक्चर्स वगैरह लें, मगर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो हमने कहा चलो अंदर रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। और यह है कि अगर सुबह मौसम को देखेंगे कि अगर सुबह ऊपर जाने का हुआ कोई सिस्टम ऊपर कटोरा लेक वाली साइड, तो ज़रूर जाएंगे विजिट करेंगे वो भी, वरना फिर हम यहाँ से ही
नीचे वापस हो जाएंगे। दोबारा से हाइकिंग स्टार्ट हो गई है। 1 घंटा हमने ऊपर रेस्ट किया है और रूम ले लिया था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। अब यहाँ से हम कुंड बांडा की तरफ नीचे जा रहे हैं, तो नीचे भी ऊपर से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जाते हैं नीचे देखते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। यहाँ पे कुछ करने के लिए तो है नहीं वैसे, तो ये हाइक अभी बारिश हुई हुई है इसकी वजह से काफ़ी जगह नरम हुई हुई है, बड़े आराम आराम से आपको उतरना पड़ेगा। थोड़ी बहुत हाइक है इसकी, इतनी नहीं है, उतरते हुए तो नहीं है, ऊपर चढ़ते हुए पता चलेगा। चले नीचे चल के देखते हैं व्यू। हम बहुत स्पीडों में जा रहे हैं वैसे, काफ़ी तेज़ दरिया है, तो लोग उतर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। बस ये है कि वापसी चढ़ते हुए पता चलेगा। और ये देखें यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू है। वापसी की तरफ जहाज़ बढ़ना की तरफ कुंड बांडा भी हमने देख लिया। टाइम था हमारे पास, बहुत ही आउट क्लास जगह है, कैंपिंग के लिए बेस्ट जगह है। ऊपर हमने रूम ले लिया, वरना हम यहाँ पे कैंप भी कर सकते थे, रेंट पे मिल जाते हैं। तो अंधेरा होने से पहले पहले कोशिश है कि वापस ऊपर अपने रूम तक पहुँच जाएँ।